हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मस्टेकर्स माइंड में। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्रैंक। ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है बच्चों आज का हमारा क्रैंक। आज हम देखेंगे क्रैंक क्या होती है। क्रैंक एक ऐसी डिवाइस होती है बच्चों जो या तो रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे। क्या बताया? जो रोटेटिंग मोशन को या तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे या रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे, तो उस डिवाइस को बोलते हैं हम क्रैंक। तो आइए देखते हैं क्रैंक होती कैसी। एक सपोज एक क्रैंक है। क्रैंक के तीन पार्ट होते हैं। पहले यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। ये जो है ये क्रैंक आर्म होती है, क्रैंक की भुजा। और यहाँ पे होता है ऊपर पिन। तो कितने पार्ट हुए? सबसे पहले तीन, क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म और क्रैंक शाफ्ट। कौन-कौन? क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म, क्रैंक शाफ्ट। तो देखते हैं कैसे ये रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में या रेसिप्रोकेटिंग को रोटरी में। रोटरी मोशन को हिंदी में बोलते हैं घुमाव गति और रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हिंदी में बोलते हैं पश्चाग्र गति। सबसे पहले बताता हूँ रोटरी मोशन क्या होता है। घुमाव गति, घुमाव गति मतलब ऐसे गोल गोल घूमने वाली गति को बोलते हैं रोटरी मोशन या घुमाव गति। और जो आगे पीछे वाली गति होती है उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन या पश्चाग्र गति। पश्चाग्र का मतलब पश्चाग्र, पीछे आगे वाली गति। तो आगे पीछे वाली गति को रेसिप्रोकेटिंग मोशन या पश्चाग्र गति कहते हैं। अब देखो, सपोज मुझे इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन से ये चीज गोल घुमानी है, घुमाव गति चाहिए मुझे, ये मेरा पावर सोर्स है सपोज। तो ये तो आगे पीछे करेगा, जब ये आगे जाएगा तो ये क्रैंक कैसे घूमेगी बच्चों? ऐसे गोल गोल घूमेगी। कैसे घूमेगी? ऐसे। अगर इस वाली मोशन को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी में कन्वर्ट करनी है तो यहां से पावर दी, ये तो आगे पीछे करेगा और ये कैसे घूमेगी बच्चों? ये कनेक्टिंग रोड जुड़ी है। अब देखो ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन साइलेंट अरेंजमेंट है, कनेक्टिंग रोड, ये मेरी कनेक्टिंग रोड है बच्चों। संयोजक दंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? संयोजक दंड, कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड यहाँ पे लगा दी, यहाँ क्रैंक पिन से कनेक्ट कर दिया, क्रैंक आर्म, और यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? क्रैंक शाफ्ट। अब जब ये पिस्टन मेरा ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा तो मेरी क्रैंक शाफ्ट की क्रैंक क्या होगी? ऐसे घूमेगी गोल गोल। तो मुझे इस वाली मोशन से किस में कन्वर्ट कर ली मैंने? रोटरी मोशन में। अगर मैं कहूँ रोटरी मोशन से मुझे रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करना है, जब मैं इसे, अगर मैं इस वाली चीज को घुमाऊ रोटरी मोशन इसे दू, तो ये कैसे रेसिप्रोकेट करेगा? ऐसे रेसिप्रोकेट करेगा। तो अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन से रोटरी चाहिए तो यहां से पावर ये गोल गोल घूमेगी, और अगर रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग चाहिए तो इसको पावर देंगे ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। समझ में आया बच्चों? क्रैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द आइदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन इंटू रोटरी मोशन और रोटरी मोशन इंटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, तीन पार्ट होते हैं, क्रैंक पिन, क्रैंक आर्म और क्रैंक शाफ्ट। और अब देखते हैं टाइप्स। क्रैंक तीन तरह की हमारी क्रैंक होती है। कितने तरीके की होती है? तीन तरह की। पहली ओवरहैंग क्रैंक, ओवरहैंग क्रैंक, दूसरी डिस्क क्रैंक और तीसरी सेंटर क्रैंक। ओवरहैंग क्रैंक, डिस्क क्रैंक और सेंटर क्रैंक, तो अभी हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। बच्चों पहली जो हमारी क्रैंक है वो है ओवरहैंग क्रैंक। कौन सी? ओवरहैंग क्रैंक। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्रैंक के तीन पार्ट होते हैं। पहला क्रैंक आर्म, ये कौन सी है बच्चों? क्रैंक आर्म। ये इसमें क्रैंक पिन और यहाँ पे होती है क्रैंक शाफ्ट। इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। ये मेरी क्रैंक आर्म होती है, यहाँ पे क्रैंक पिन लगी होती है और ये मेरी जनरल शाफ्ट होती है। जनरल शाफ्ट मतलब कि क्रैंक शाफ्ट एक तरह की। तो देखो ओवरहैंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल है, तीनों क्रैंक बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। देखो ओवरहैंग का मतलब होता है लटकी हुई, एक तरफ से फिक्स और एक तरफ से लटकी हुई, कैंटिलीवर भी कहते हैं। सपोज ये मेरी घर के बाहर छज्जे बने होते हैं, देखे होंगे, तो वो एक तरफ से फिक्स होते हैं और एक तरफ से ऐसे ही फ्री होते हैं उसके एंड, तो उसे कैंटिलीवर शेप बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। तो उसी को हम बोलते हैं एक खुट्टी, जैसे खुट्टी घर में गाड़ते हैं, खुट्टी गाड़ते हैं और लटकी रहती है, बाहर निकल जाती है, तो एक सिरा अंदर चला गया, दूसरा सिरा बाहर रह गया, तो उसे हम बोलते हैं ओवरहैंग, जो ओवरहैंग कर रही है, झूल रही हो एक तरफ से, तो ओवरहैंग बोलते हैं। तो ओवरहैंग क्रैंक कैसे समझेंगे? ये मेरी क्रैंक पिन है, सारी क्रैंक को, तीनों की तीनों क्रैंक को क्रैंक पिन के बेस पे देखेंगे। तो जो क्रैंक पिन है मेरी उसका एक सिरा, ये इसका एक सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा, तो इसका एक सिरे पे क्रैंक आर्म लगी होती है। कौन सी आर्म लगी होती है बच्चों? क्रैंक आर्म। दूसरा सिरा बिल्कुल फ्री होता है, तो यहाँ पे मेरी क्रैंक पिन ये रही, तो क्रैंक पिन के एक एंड पे क्रैंक आर्म लगी होती है, तो इसे बोलते हैं ओवरहैंग क्रैंक। कौन सी क्रैंक? ओवरहैंग। इसमें एक सिरे पे क्रैंक पिन, दूसरा सिरा फ्री, तो ये मेरा दूसरा सिरा फ्री है, तो ये मेरी ओवरहैंग क्रैंक है। इसका जो यूज करते हैं हम मीडियम सिलेंडर इंजन, जो होता है मीडियम पावर इंजन होता है, छोटे इंजन, मीडियम इंजन में यहाँ पे कम पावर ट्रांसफर करनी होती है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं ओवरहैंग क्रैंक का। समझ में आया? ये इसका साइड व्यू था, ये इसका फ्रंट व्यू था। अब देखते हैं बच्चों डिस्क क्रैंक। दूसरी है बच्चों हमारी डिस्क क्रैंक। डिस्क क्रैंक देखते हैं, डिस्क का मतलब होता है चक्ती, एक प्लेट। इसमें क्या होता है? एक प्लेट लगी होती है बच्चों। क्या लगी होती है? प्लेट। ये उस प्लेट का साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू।
अब प्लेट में एक डिस्क के आकार की होती है, डिस्क में क्रैंक फिन यहाँ लगी होती है, ये भी एक ओवरहैंग क्रैंक ही होती है। कौन सी क्रैंक होती है? ओवरहैंग क्रैंक होती है। बस इसमें क्या होती है बच्चों, एक डिस्क लगी होती है प्लेट, उस प्लेट के एक साइड में क्या लगा दी जाती है, क्रैंक पिन। क्रैंक पिन को रिवेटेड करते हैं, रिवेटेड किससे लगाते हैं, रिवेट करके, रिवेट लगा देते हैं। सपोज ये डिस्क है मेरी, डिस्क यहाँ पे शाफ्ट लगी होगी, जब मेरी ये क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन का मतलब यहाँ पे कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होगी, कनेक्टिंग रोड कैसे घूमेगी ऐसे, ये मेरी डिस्क है, डिस्क कैसे घूम रही है, ऊपर क्रैंक पिन लगी हुई है, तो मेरी कैसे घूमेगी ऐसे, घूमेगी ना ऐसे, मतलब ये रोटेट करेगी मेरी कनेक्टिंग रोड मान लो इसको, और ये वाली पिन तो यहाँ पे इसके साइड में ऐसे, तो ये डिस्क कैसे घूमेगी और मेरा पिस्टन ऐसे जैसे प्रोकेट करेगा करेगा, तो ये मेरी क्रैंक पिन है, ये डिस्क का फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू है, तो ऊपर क्या लगी है, क्रैंक पिन लगी है, ये पूरी डिस्क की क्रैंक शाफ्ट है। तो अब क्या गया, ये जो दिख रहा है आपको डार्क डार्क, इस क्रैंक पिन, ये जो हमारा ये डार्क क्या है, जो हमारी क्रैंक होगी, जो क्रैंक पिन का वेट होगा, क्योंकि डिस्क को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा डिस्क में अगर एक तरफ ज्यादा भार कर दे, एक तरफ कम वेट कर दे, एक तरफ ज्यादा कम वेट कर दे, तो क्या होगा डिस्क अनबैलेंस हो जाएगी मेरी। अब डिस्क का वेट कैसे बैलेंस किया, क्यों बैलेंस किया, क्योंकि एक तो क्रैंक पिन का वेट, दूसरा इस क्रैंक पिन में क्या अटैच होगा, हमारी कनेक्टिंग रोड कनेक्ट होगी, तो दोनों का वेट मिलकर एक तरफ के वेट को ज्यादा कर देंगे। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए इस डिस्क में, जो मेरी डिस्क है, इस डिस्क को कुछ स्थान तक, कुछ प्लेस में क्या कर देते हैं, मोटी डिस्क कर देते हैं, इस वेट को बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दी, इस डिस्क को उसके सामने के भाग को क्या कर देते हैं बच्चों, मोटा कर देते हैं उसी मेटल से, बाकी जगह पतला ही रहने देते हैं, केवल इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, डिस्क को मोटा कर दिया। ठीक है, तो ये थी डिस्क क्रैंक, जिसमें एक डिस्क होती है, क्रैंक पिन साइड में लगी होती है कॉर्नर पे, इसको बैलेंस करने के लिए ये एक्स्ट्रा वेट लगा दिया, इसको और जो मेरी कनेक्टिंग रोड इससे कनेक्ट होगी बाद में, उसके वेट को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा वेट लगा दिया बैलेंस करने के लिए। तो ये थी बच्चों डिस्क क्रैंक। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी है बच्चों मेरी सेंटर क्रैंक। सेंटर क्रैंक का मतलब मध्य वाली क्रैंक, बीच में जो हो क्रैंक। अब देखते हैं सेंटर क्रैंक क्या होती है। अभी तक जो हमने पिछली दो क्रैंक देखी, ओवरहैंग और डिस्क क्रैंक, उसमें क्या होता है, जो क्रैंक पिन होती है, क्रैंक पिन के एक सिरे पे ही क्रैंक आर्म होती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, क्रैंक पिन के दोनों सिरों पे, ये मेरी क्रैंक पिन है, मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम बना के, ये क्रैंक आर्म होती है, ये क्रैंक पिन होती है और ये क्रैंक शाफ्ट होती है। ये क्रैंक पिन है, पिछली वाली शाफ्ट में क्रैंक पिन जो थी उसके एक सिरे पे क्रैंक आर्म थी, ऐसे वो ओवरहैंग कर रही थी दूसरे से, लेकिन इसमें क्या होगा, क्रैंक सेंटर क्रैंक में क्रैंक पिन के दोनों ओर, यानी कि दोनों सिरों पे उसके क्रैंक आर्म होगी, या कह लो क्रैंक, दो क्रैंक आर्म के बीच में एक क्रैंक पिन होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों सेंटर क्रैंक। सपोज मुझे ये मेरी क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से मुझे पावर मिलती है, व्हील को चलाने के लिए पावर मिलती है, तो ये तो यहाँ पे पिन लगी होती है एक, जिससे पिस्टन से ये ऐसे घूमती है, रोटेट करती है, ठीक है बच्चों, तो ये से बोलते हैं सेंटर क्रैंक। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह वर्क करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब दोनों एंड इसके क्या है, कहीं ना कहीं अटैच है, तो इससे इस क्रैंक का यूज हम करते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन में। मल्टी सिलेंडर इंजन मतलब जैसे कि ट्रेन में इंजन होते हैं, 16 सिलेंडर इंजन होता है वो ट्रेन का, एट इधर एट इधर, तो वहां पे क्या लगाई जाती है बच्चों, सेंटर क्रैंक। और ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर में जो क्रैंक का यूज होता है वहां पे भी सेंटर क्रैंक, यानी कि जिसमें 2, 4, 5, 6 सिलेंडर हो वहां पे यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मेरी क्रैंक साफ है, मेरी देखो इसमें कितने सारे क्रैंक पिन है, 1, 2, 3, तो एक इंजन का सिलेंडर यहाँ कनेक्ट होगा, एक इंजन के सिलेंडर की कनेक्टिंग रोड यहाँ कनेक्ट होगी, तीसरे इंजन के सिलेंडर की कनेक्टिंग रोड यहाँ पे कनेक्ट होगी मेरे, ठीक है बच्चों, तो ये मेरी सेंटर क्रैंक है सब। तो सेंटर क्रैंक मल्टी सिलेंडर इंजन में यूज होती है, तो ये थी मेरी सेंटर क्रैंक। तो हमने बच्चों क्या पढ़ी, क्रैंक पढ़ी और तीनों क्रैंक के टाइप पढ़े, तो अच्छे से पढ़ना, वीडियो पॉज करके देखते रहना, एक एक डायग्राम बनाते रहना, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का प्रेस जरूर।